सी क्लैंप चाहिए भाई आपको, देखो इस तरह का सी क्लैंप भी मिल जाएगा, ओनली 100 रुपए का अंकल जी दे रहे हैं। सुराख को भाई बड़ा करने के लिए आपको चाहिए तो ये रिमर मिल जाएगा 250 रुपए का ओनली भाई आपको, देखो जैक मिल जाएगा ठीक है। गाड़ी के लिए आपको चाहिए तो यहाँ पर आ सकते हो और लेके जा सकते हो। भैया कितनी दे रहे हो ड्रिल मशीन? ये भैया 800 रुपए। ये 800 रुपए की है? अच्छा, और ये वाली भी है? पत्थर काटने वाला आपको चाहिए ब्लेड तो ये आपको मिल जाएगा, ओनली 50 रुपए का दे रहे हैं भैया हमारे। चूड़ी काटने की डाई चाहिए भाई आपको, देखो ये भी मिल जाएगी। ये कितने की? 500 रुपए का पीस है। 100 रुपए का भाई आपको देखो ऑल इन वन पेचकस का चाहिए तो ये डब्बा भी आपको मिल जाता है। 20-20 रुपए के भाई आपको देखो कटर मिल जाएंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विनीत ब्लॉग में। तो भाई आज आपका भाई लेकर आ गया आपको मीना बाजार टूल मार्केट। मेरे पीछे आप देख सकते हो भाई, मीना बाजार की टूल मार्केट है। अगर आपको यहाँ पर आना हो तो सबसे नज़दीकी मेट्रो स्टेशन जो है वो आपका पड़ेगा लाल किला का। लाल किला से भाई उतरने के बाद थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस रहता है इस मार्केट में आने के लिए। जैसे भाई थोड़ा सा आगे चल के आओगे ना तो सामने भाई आपको देखो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा लाल किला। इसी से भाई थोड़ा सा आप आओगे पार्किंग है, पार्किंग के भाई जस्ट सामने ये मार्केट होने वाली है। यहाँ पे भाई आपको हार्डवेयर टूल मिल जाते हैं बहुत सस्ते, जो भाई दुकानों में बहुत महंगे महंगे मिलते हैं ना, आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सस्ते मिल जाते हैं इस मार्केट के अंदर। आपको आना हो तो इस मार्केट में आप आ सकते हो और टूल लेके जा सकते हो। मार्केट की टाइमिंग जो है वो सुबह होती है भाई 9-10 बजे से शाम को 6-7 बजे तक। आप यहाँ पर आके टूल वगैरह ले सकते हो। चले लेके चलता हूँ आपको, जो भी मिलेगा सबको शेयर करूंगा, एंड तक वीडियो में बने रहना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं भाई। लाल किला मेट्रो से जैसे ही आप निकल के आओगे तो सामने देख सकते हो लाल किला है। इसी के जस्ट सामने भाई चल के आओगे तो यहाँ पे भाई ये देखो है ना शौचालय, इसी के साथ में आपको पार्किंग देखने को मिलेगी। इसी के जस्ट सामने भाई ये मार्केट है ठीक है। तो अंदर लेके चलता हूँ आपको और दिखाता हूँ क्या क्या हमारे को मार्केट में मिलने वाला है ठीक है। इस तरह से भाई ये मार्केट होती है। ये चीज देखने को मिली अंकल जी, क्या बोलते हैं इसको? ड्रिल चक। ड्रिल चक बोलते हैं इसको, बर्मा पकड़ता है। अच्छा भाई, बर्मा भाई पकड़ने वाला ये चीज है। ओहो अच्छा, ये की है इसकी। अच्छा ये की है इसकी है ना अंकल जी? ये कितने की होती है अंकल जी? ये 300 रुपए की। 300 रुपए की पड़ेगी? 300 रुपए की भाई ये चीज पड़ेगी ठीक है। रख देते हैं। और अंकल जी ये जो है ये क्या? ये कटर है। अच्छा कटर है ये कटर का सेट है 600 रुपए का। अच्छा अलग अलग साइज है इसमें है ना? हाँ। ये कितने का है? 600 रुपए का दो पीस। 600 रुपए का दो पीस भाई आपको देखो कटर भी मिल जाएंगे ठीक है। और इतनी बड़ी बड़ी भाई है देखो ड्रिल देखने को मिली है हमारे को। ये कितने की अंकल जी? ये 400 रुपए की है। 400 रुपए की? 400 रुपए की आपको देखो ये मिलेगी। ये इससे हैवी है ना? ये भाई इससे थोड़ी सी हैवी है। ये कितने की है? 450। ये 450। अच्छा 450-450 500 रुपए की आपको मिल जाएगी। बड़ी बड़ी चाहिए तो भाई आपको देखो यहाँ पे मिल जाती है। ये वाली कितने की अंकल जी? ये 750। 750 रुपए की। और ये बड़ी वाली जो है ये पड़ेगी 2000 की, 1500 की। अच्छा 1500 रुपए की, 2000 रुपए की भाई आपको ड्रिल बड़ी वाली चाहिए तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाती है हमारे अंकल जी के पास। छोटी छोटी भाई चाहिए तो ये देखो 10-10 रुपए से स्टार्ट हो जाती है अंकल। 10-10 रुपए से भाई ये देखो ड्रिल स्टार्ट हो जाती है। 10 रुपए? अच्छा 10 रुपए, 12 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए से है ना, ऐसे मिल जाती है। जैसे भाई मोटी होगी उसके हिसाब से। अंकल जी इसको क्या बोलते हैं? ये डाई बोलते हैं इसको। अच्छा डाई बोलते हैं इसको। चूड़ी काटती है इसको। अच्छा चूड़ी भाई काटने के लिए आपको चाहिए डाई तो इस तरह की मिल जाती है। ये कितने की अंकल जी? ये पड़ेगी आपको 60 रुपए का पीस। अच्छा 60 रुपए का पीस भाई आपको देखो ये वाला मिल जाएगा ठीक है। छोटी छोटी चीजें भाई काफी बारीक होती है ना। हैंडल भी है इसका? अच्छा 1 इंची का हैंडल है, ये देखो इसमें डाई लगती है। अच्छा 1 इंची का भाई आपको देखो हैंडल चाहिए इसका तो ये भी आपको मिल जाता है ठीक है। ये इसके अंदर एडजस्ट हो जाती है, ओडी आती है ये देखो, ऐसे भाई एडजस्ट हो जाती है ठीक है। ये कितने की दे रहे हो अंकल जी? पूरा सेट कितने का दोगे? 60 और 60 120 120 का पूरा सेट मिल जाएगा भाई आपको ना। इस तरह की भाई चीज़ें होती है ये अंकल जी। ये क्या चीज़ है? ये रीमर है। अच्छा रीमर बोलते हैं इसको? हाँ, इसको रीमर बोलते हैं। सुराख मतलब जो होता है ना उसको बड़ा करने के लिए थोड़ा। अच्छा सुराख को भाई बड़ा करने के लिए आपको चाहिए तो ये रीमर मिल जाएगा आपको। ये कितने का अंकल जी? ये पड़ेगा आपको 60 रुपए का। अच्छा 60 रुपए का भाई आपको देखो ये मिल जाएगा ठीक है। हार्डवेयर से रिलेटेड सारी चीजें मिल जाएगी अपने पास, टूल वगैरह देखो हमारे पास। ये देखो भाई अंकल जी ये दिखा रहे हैं हमारे ठीक है। वॉल्यूम सेंटर होता है, ये सीएनसी में लगता है। अच्छा सीएनसी में जो लगता है? हाँ, ये सीएनसी का है, ये कम से कम 1200 रुपए का। अच्छा सीएनसी मशीन होती है उसमें लगता है ना ये भाई? सीएनसी मशीन होती है उसमें भाई ये लगता है। ये कितने होता है अंकल जी? 1200 बोलते हैं। 1200 रुपए का भाई आपको देखो ये मिल जाएगा ठीक है। काफी हैवी अंकल जी, पकड़ना, काफी ज्यादा हैवी हैवी चीजें भाई आपको यहाँ पर मिल जाती है। यही अगर हमारे को चाहिए स्टूडी बनाने के लिए, ये बड़ा भी मिल जाएगा, मिल जाती है। बड़ा साइज है ना? सब ये कितने का है बड़ा साइज? ये कोई 200 की है, कोई 250 रुपए की। अच्छा 200-250 ये देखो 200 रुपए, 250 रुपए, 300 रुपए की भाई आपको बड़े बड़े साइज भी इसमें मिल जाते हैं। अगर आपको चाहिए हो तो ये लेके जा सकते हो हमारे अंकल जी से। ये और पता करते हैं भाई, ये हमारे को देखने मिला डीप प्रोटेक्टर है। अच्छा इसको एंगल की तरह देखते हैं, जैसे ये डिग्री देखते हैं। अच्छा जैसे भाई बचपन में डिग्री वगैरह देखते थे ना आप स्कूल में मैच में, तो ऐसे ही भाई ये देखने के लिए। ये देखो भाई हार्डवेयर के काम में भी देखो यूज किया जाता है इसको। ये कितने का अंकल जी? ये 100 रुपए का। 100 रुपए का? 100 रुपए का भाई आपको देखो ये भी मिल जाएगा ठीक है। तो चीज़ें भाई आपको यहाँ पे बहुत ही बढ़िया बढ़िया मिल जाती है हमारे अंकल जी के पास। टूल वगैरह चाहिए हो आप यहाँ पर आ सकते हो। अंकल जी ये बताओगे एक बार ये क्या चीज़ है? ये टूल भी खरात में लगती है। अच्छा खरात में लगती है, इससे लोहा घिसा जाता है। मतलब अच्छा जाता भाई टूल भी है ठीक है। अगर लोहे घिसने के लिए आपको चाहिए तो आपको पता होगा लोहे का काम है आपका, तो ये भाई कैसे यूज़ किया जाता है? बन के इसको टर्न करते हैं। अच्छा भाई खरात में बन के इसको टर्न करते हैं ठीक है, ऐसे लोहा घिसा जाता है। कितने का होता है अंकल जी? ये 250 रुपये, 200 रुपये। अच्छा 200-250 रुपये की आपको जैसे जैसे साइज होगा।
है ना। छोटा वाला कितने का? ये 150 रुपये। अच्छा भाई, ये देखो छोटे में चाहिए आपको तो ये भी आपको मिल जाएगा 150 रुपये का। बाकी जैसा साइज बड़ा होगा उसके हिसाब से, आधी इंची, 3 सूट, 2.5 सूट, भाई सारा का सारा साइज होता है ये आपको भाई मिल जाता है यहाँ पर हमारा अंकल जी के पास, आके ले सकते हो। 1 इंची तक मिल जाएगा, ठीक है। बाकी जैसे भाई एंटर करोगे तो सीधा हमारी अंकल जी की दुकान है, ठीक है, आके ले सकते हो। ठीक है अंकल जी, ओके जी। बाकी और चलते हैं और भाई देखते हैं यहाँ पर आपको, देखो अगर पुराने टूल वगैरह चाहिए हो तो ये भी आपको मिल जाते हैं, नए चाहिए हमारे अंकल जी के पास ये भी मिल जाते हैं। और अंकल जी कैसे हो आप? बढ़िया अंकल जी, आपका ही है ना ये? कितने का दे रहे हो ये कटर? 20 रुपये का। देखो 20-20 रुपये के भाई आपको देखो कटर मिल जाएंगे, ठीक है, हमारे अंकल जी के पास। और जैक चाहिए गाड़ी का तो ये भी आपको मिल जाएगा। ये कितने का अंकल जी? 250 रुपये का ओनली भाई आपको देखो जैक मिल जाएगा, ठीक है। गाड़ी के लिए आपको चाहिए तो यहाँ पर आ सकते हो और लेके जा सकते हो हमारे अंकल जी के पास। चीज़ें भाई बहुत अच्छी अच्छी आपको यहाँ पर मिल जाती है, टूल से रिलेटेड जो भी चाहिए। और इसको क्या बोलते हैं अंकल जी? सी क्लैम्प बोलते हैं ना इसको। कितने का दे रहे हो? 100 रुपये का। सी क्लैम्प चाहिए भाई आपको देखो, इस तरह का सी क्लैम्प भी मिल जाएगा, ओनली 100 रुपये का अंकल जी दे रहे हैं। और अंकल जी ये जो होती है ये क्या बोलते हैं? पाइप रेंज। कितने की है ये? बहुत भारी है ये, देखो भाई बहुत भारी है भाई। पाइप रेंज आपको चाहिए तो ये आपको मिल जाएगी, ओनली 500 रुपये की दे रहे हैं हमारे अंकल जी, ठीक है ना। इसमें आपको साइज़ वगैरह छोटे भी मिल जाएंगे, बड़े भी मिल जाएंगे। ये वाला साइज़ कितने का अंकल जी? 150। ये 150 रुपये का मिल जाएगा आपको, है ना भाई, और वो मिल जाएगा 500 रुपये का। बाकी आपको नए नए चाहिए टूल तो ये नए वाले भी मिल जाते हैं, है ना अंकल जी? नए का क्या रेट होता है इनका? 250 रुपये किलो कुछ भी लो। अच्छा क्या बात है भाई, देखो 250 रुपये किलो आपको चाहिए पाने वगैरह तो सारे के सारे भाई लेके जा सकते हो। अगर अंकल जी किसी को एक चाहिए तो कितने का पड़ेगा ये? 50 रुपये का भाई आपको देखो ये मिल जाएगा, ठीक है, पाना चाहिए आपको। साइज़ वगैरह सारे अवेलेबल हो जाएंगे इसमें, साइज़ वगैरह सारे आपको मिल जाते हैं। और अंकल जी अगर किसी को ये चाहिए पूरा पैकेट? 250 रुपये किलो। 250 रुपये का पड़ेगा किलो। कितने का पड़ेगा एक चाहिए तो? ये 400 रुपये का। ये देखो भाई इसमें सारी की सारी भाई आपको चाबी मिल जाएगी, ठीक है, ये आपको पड़ेगा 400 रुपये का पूरा पैकेट लेके जा सकते हैं हमारे अंकल जी से, है ना। चीज़ें भाई आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मिल जाती है। टूल ये चाहिए आपको प्लास, तो ये कितने पड़ेगा प्लास? 60 रुपये का। 60 रुपये का प्लास भाई आपको ये मिल जाएगा। और पेचकस का पूरा अगर आपको चाहिए, ऑल इन वन है ना ये, 100 रुपये का भाई आपको देखो ऑल इन वन पेचकस का चाहिए तो ये डब्बा भी आपको मिल जाता है, ठीक है। और अंकल जी ये क्या चीज़ होती है? बिट बोलते हैं, कहाँ पे यूज़ करते हैं इसको? ये नट कसती है। अच्छा नट कसती है भाई, बिट आपको चाहिए तो ये आपको मिल जाती है, ठीक है। कितने की होती है? 10 रुपये। ओनली 10 रुपये की। ओनली 10-10 रुपये की भाई आपको देखो ये भी मिल जाएगी, है ना। और भाई अगर आपको गोटी वगैरह चाहिए तो गोटी के सारे साइज आपको मिल जाएंगे इसमें। ये कितने की अंकल जी गोटी? ये 50 रुपये की है। अच्छा ये बड़ी वाली जो है भाई 50 रुपये की है। और छोटी वाली अंकल जी? 20 रुपये से। 20-20 रुपये की भाई, 30-30 रुपये की, जैसा साइज होगा उसके हिसाब से मिल जाती है। और अंकल जी ये जो है एक्सटेंशन रोड है ना ये, हाँ ये कितने कितने होता है? 50 रुपये का। 50 रुपये का भाई आपको देखो ये भी मिल जाएगा, ठीक है। और ये भी गोटी है? ये भी गोटी है। अच्छा ये मतलब पुरानी गोटी है, ये बड़ा साइज आपको पुरानी गोटी चाहिए तो ये कितने की पड़ेगी अंकल जी? 100 रुपये। 100 रुपये की। 100 रुपये की भाई आपको देखो ये वाली मिल जाएगी, ठीक है। तो चीज़ें भाई आपको जो भी टूल की चाहिए सारी की सारी आपको यहाँ पर मिल जाती है हमारे अंकल जी के पास। जैसे भाई एंटर करोगे दूसरी दुकान है हमारे अंकल जी की, ठीक है, नया भी आपको माल मिलेगा यहाँ पर, है ना। और अगर आपको सेकेंड हैंड में चाहिए तो ये भी आपको मिल जाएगा, ठीक है अंकल जी, धन्यवाद। और भाई देखते हैं और यहाँ पर पता करते हैं और क्या क्या हमारे को मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखते हैं और यहाँ पर टूल वगैरह आपको यहाँ पर मिल जाते हैं बहुत अच्छे अच्छे, अगर आपको चाहिए तो यहाँ पर आके ले सकते हो। अंकल जी ये क्या चीज़ है? ड्रिल वाइज। अच्छा जो लोहे का काम करते हैं, लोहे का आकार देने वाली, हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नंबर लिखे हुए हैं प्लेट पे, ये होती है। तो ये कितने की होती है? ये कितने की? 11,000 रुपये की। 11,000 रुपये की भाई आपको देखो ये मिल जाएगी, ठीक है। और ये कितने किलो की होती है? 40 किलो की। 40 किलो की आपको ये मिल जाएगी। और भाई अगर आपको देखो शेप बनानी है ना लोहे की तो ये वाली मशीन भी आपको मिल जाती है। ये कितने की अंकल जी? ये ज़्यादा नहीं है, 700 रुपये। अच्छा 700 रुपये की भाई आपको देखो ये वाली मिल जाएगी। और अंकल जी ये क्या चीज़ है? ये डाई है चूड़ी काटने की। अच्छा चूड़ी काटने की डाई चाहिए भाई आपको देखो ये भी मिल जाएगी। ये कितने की? 500 रुपये का पीस है। 500 रुपये का पीस भाई आपको ये वाला मिलेगा। और ये पेचकस वगैरह कितने देते हो आप छोटे वाले? 10 रुपये का। 10 रुपये का ये। और ये वाला? ये 40 रुपये का। अच्छा ये 40 रुपये का मिल जाएगा भाई आपको, है ना। और ये चाबी आपको चाहिए तो ये मिल जाती है आपको। अच्छा 10-10 रुपये से स्टार्ट हो जाती है। ये देखो 10-10 रुपये की भाई आपको चाबी चाहिए तो ये आपको मिल जाती है यहाँ पर।
ठीक है। साइज भाई आपको पाने चाहिए, चाबी चाहिए, सब मिल जाते हैं। बड़ा साइज चाहिए तो ये कितने का है? 100 रुपये का पीस है। अच्छा 100 रुपये का पीस है ये 100 रुपये का पीस भाई आपको मिल जाएगा। चाबी और पाना दोनों मिक्स है इसमें, ठीक है। इसमें ऐसा ही भाई ये छोटा साइज भी है, कितने का है? 15 रुपये का। अच्छा ये 15 रुपये का मिल जाएगा आपको, ठीक है। बाकी भाई आपको चाबी वगैरह चाहिए तो ये भी 20-20 रुपये की है, 20-20 रुपये की आपको ये मिलेगी। और ये 15 रुपये की। अच्छा 15 रुपये की भाई आपको देखो ये वाली मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें जो है हमारे अंकल जी के पास मिल जाती है, सारे के सारे भाई टूल आपको इस तरह के मिल जाएंगे, ठीक है। ये देखो छोटी छोटी आपको चाहिए बिट तो ये भी आपको मिल जाती है, 5 रुपये की। 5 रुपये की भाई आपको देखो एक में ये भी मिल जाएगी। तो ऐसे ऐसे भाई आपको टूल मिल जाते हैं हमारे अंकल जी के पास, आके भाई ले सकते हो। अंकल जी ये जो आपके पीछे एक चीज़ है तार को ज्वाइंट करने के वाली जो मशीन होती है, अच्छा ये वो है, ये कितने की होती है? 1100 रुपये की। 1100 रुपये की भाई आपको ये वाली भी मिल जाएगी हमारे अंकल जी के पास, है ना। तो आ सकते हो हमारे अंकल जी से, सारी की सारी चीज़ें भाई ले सकते हो आप। बाकी और देखते हैं यहाँ पे, पता करते हैं भैया से। ये पत्थर काटने वाला है ब्लेड? सिर्फ 50 रुपये का। ओनली 50 रुपये का। ये देखो भाई पत्थर काटने वाला आपको चाहिए ब्लेड तो ये आपको मिल जाएगा, ओनली 50 रुपये का दे रहे हैं भैया हमारे, है ना। अच्छा ये बड़ी क्वालिटी है ये भाई, थोड़ी हैवी क्वालिटी है, बड़ा ब्लेड है ये, आपको मिलेगा 80 रुपये का। और क्या होता है? 5 रुपये का लोहा काटने का। अच्छा लोहा काटने का भाई आपको देखो ये भी आपको मिल जाएगा 5 रुपये का, है ना। तो 10 रुपये का लोहा घिसने वाला। अच्छा ये घिसने वाला भी है ये भाई, आपको घिसने वाला चाहिए लोहे को तो ये आपको मिल जाएगा ओनली 10 रुपये का, ठीक है। दीवार वाली आपको 20 रुपये की मिलेगी, 20 रुपये। अच्छा ये दीवार पे छेद करने वाली होती है? हाँ जी। क्या बात है भाई, नहीं है बिल्कुल ये तो? जी बिल्कुल नया भाई, बिल्कुल नया पीस आपको चाहिए दीवार में अगर गड्ढा करने के लिए ड्रिल तो ये मिल जाते हैं आपको 20 रुपये की ओनली, ओनली 20 रुपये की भाई आपको। देखो 6 mm से लेकर 14 mm तक का दीवार वाले ड्रिल। कौन सी? वो हैमर वाले। हाँ ये वाली। ये कितने की है? 300 लकड़ी वाला दियो। ये सब मिलेंगे आपको 20 रुपये से लेकर 50 रुपये तक। ये देखो भाई हैमर ड्रिल आपको चाहिए तो 20 रुपये से लेकर 50 रुपये के सारे मिल जाएगा, सब साइज मिल जाएगा, सब साइज मिल जाएगा। और भैया ये जो होती है ये क्या चीज़ है? ये लोहे में सुराख करने वाली है ये। अच्छा अरे ये ऐसा घूमती है ना बढ़िया वाला हाई स्पीड भाई, हाई स्पीड का आपको चाहिए भाई लोहे में सुराख करने वाला ऐसा होता है। ये कितने का होता है? सिर्फ 80 रुपये का भाई आपको मिल जाएगा, ठीक है। लकड़ी की 33 रुपये की। अच्छा ये लकड़ी को घिसने के लिए काटने के लिए? अच्छा भाई लकड़ी को काटने के लिए चाहिए भाई आपको, है ना। ये मिल जाएगा ओनली 33 रुपये का, ओनली 33 रुपये का। और भैया ये जो है ये लकड़ी घिसने वाला चाहिए भाई रंदा मशीन, ये आपको मिल जाएगा ओनली 500 रुपये का भैया ये दे रहे हैं। और बाजारों में भाई 1500 वाली चीज़ आपको यहाँ पर 500 रुपये की मिल जाती है, ठीक है। ब्रश वगैरह चाहिए तो इस तरह के मिल जाते हैं आपको ब्रश भी, ये भी आपको। ये कितने का भैया ब्रश? 40 रुपये का, ओनली 40 रुपये का आपको ये भी मिलेगा। और भैया ये क्या चीज़ है? ये वो है ड्रिल मशीन में लगा के बिटी जगह लगाते हैं और अंदर कहीं जगह ना हो तो जगह भी खोल देगी मशीन से ये। अच्छा कहीं पे अगर पेच वगैरह नट वगैरह अंदर होता है जैसे ये है ना बिट, बिल्कुल ऐसे भाई बिट लग जाएगी, ठीक है। और आपका अगर कोई नट है अंदर की तरफ तो इसको एडजस्ट कर सकते हो, इसको एडजस्ट यूँ कर सकते हो और आराम से खोल सकते हो। ये 150 रुपये का मिलता है और दुकानों पे, हाँ। और यहाँ पे 50 का मिलेगा, सिर्फ 50। और वैसे दुकानों पे 150 रुपये का है, 150 रुपये वैसे दुकानों पर 150 रुपये का है, यहाँ पर आपको मिलेगा ओनली 50 रुपये का, है ना। ये देखो, ये देखो इस तरह की भाई आपको चाहिए पेचकस की बेटी है, ओनली भाई 30-30 रुपये की आपको मिल जाती है हमारे भैया के पास, आ सकते हो लेने के लिए, ठीक है। इस तरह के भाई आपको चाहिए टूल वगैरह हार्डवेयर के सबसे सस्ते यहाँ पर मिल जाते हैं, आके ले सकते हो, ठीक है भैया, धन्यवाद। और भाई देखते देखो इस तरह के भाई आपको चाहिए सारे के सारे टूल वगैरह आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। तो भैया देखो हमारे को देखो ड्रिल मशीन देखने को मिली है भैया के पास। भैया कितने दे रहे हो ड्रिल मशीन? ये भैया 800 रुपये। ये 800 रुपये की है। अच्छा और ये वाली भैया? ये 1000 रुपये। अच्छा ये 1000 रुपये की है। अच्छा ये भी 1000 रुपये। अच्छा ये दोनों 1000 रुपये की, 800 रुपये की है, ठीक है भाई। ऐसे ऐसी आपको ड्रिल मशीन चाहिए तो ये भी आपको मिल जाती है। और भैया ये क्या? रंदा मशीन है ये, लकड़ी घिसने के लिए, लकड़ी घिसने के लिए भाई आपको रंदा मशीन चाहिए तो ये कितने की है? अच्छा ये 1000 रुपये की मिल जाएगी भाई आपको, और ये मिल जाएगी 1500 रुपये की लकड़ी घिसने के लिए रंदा मशीन, ये हो जाती है, ठीक है, ले सकते हो आप। बाकी भाई देखो चीज़ें आपको इस तरह की मिल जाती है मार्केट के अंदर, आपको लेना हो यहाँ पर आना हो तो आ सकते हो। अगर आप मार्केट में विजिट आपने पहले करी है टूल वगैरह यहाँ से लिए हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताना, वीडियो आप कहाँ से देख रहे हो ये भी कमेंट करके बताना। और भाई अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहती है। फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो यहाँ पर भी फॉलो कर लो अपने भाई को, यहाँ पर भी आपको वीडियो अच्छी अच्छी मिलती रहती है। बाकी चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।